सुशांत सिंह राजपूत केस में जो रिया ने एफआईआर दर्ज करवाई थी मुंबई में, वो एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। उस एफआईआर को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि ये जो है एफआईआर रद्द होनी चाहिए क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। वहीं रिया ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें कहा गया था कि नहीं, ये सारे आरोप गंभीर है और ये जब फेक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी सुशांत को, उसी के 5 दिन के बाद उसका निधन हो गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कहा था कि आप फाइल कीजिए अपना रिप्लाई, सीबीआई को, मुंबई पुलिस को कहा था। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया है और ये कहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो रिया की शिकायत है, वो एकदम स्पेक्यूलेटिव है, इसका कोई भी आधार नहीं है और इस केस में एफआईआर रजिस्टर हो ही नहीं सकती थी जब सीबीआई पहले से ही ये केस सॉल्व कर रही थी। तो सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को सपोर्ट किया है, उस प्ली को सपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने इस बात की डिमांड की है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसको खारिज किया जाए। तो सीबीआई ने जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें ये कहा है कि उस पूरी की पूरी एफआईआर का कोई आधार नहीं है, स्पेक्यूलेटिव है। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों जो है इतने दिनों के बाद रिया ने इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज कराई। द प्रेजेंट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उनका यह भी कहना है कि इतने दिनों के बाद क्यों कराई गई है। इट इज करेक्ट दैट इफ द एलिगेशन मेंशन इन द एफआईआर प्राइमा फेशिया डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस टू मेक आउट अ केस अगेंस्ट द एक्यूज, द एफआईआर कैन बी क्वैश बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो एक बात तो तय है कि 90 दिन के बाद जो ये एफआईआर कराई गई, तो सीबीआई ने ये भी कहा है कि इतना समय क्यों लगाया है, इतना सीरियस ऑफेंस लगाने के लिए सारे जो है स्पेकुलेशन है। तो सीबीआई ने जो बॉम्बे कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल किया है, तो एक बात साफ है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की उस प्ली को सपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने उस एफआईआर को रद्द किया जाए इस बात की मांग की है। अब 4 नवंबर को जो है इसकी सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि बॉम्बे कोर्ट जो है, हाईकोर्ट जो है, इस पर क्या फैसला लेता है।